देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है अब उसे अपने क्षेत्र की मंडी के अलावा भी कई और विकल्प मिल गए हैं अब उसे अगर मंडी में ज्यादा लाभ मिलेगा तो वहां मंडी में जाकर अपनी फसल बेचेगा मंडी के अलावा कहीं और से ज्यादा पैसा मिलता है ज्यादा लाभ मिलता है तो वहां जाकर के बेचेगा उसकी सारे बंधनों से मुक्ति दिलाने के कारण यह संभव होगा अब देश अंदाजा लगा सकता है कि अचानक कुछ लोगों को जो दिक्कत होनी शुरू हुई है वो क्यों हो रही है कई जगह यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब कृषि मंडियों का क्या होगा क्या कृषि मंडियां बंद हो जाएगी क्या वहां पर खरीद बंद हो जाएगी जी नहीं ऐसा कतई नहीं होगा और मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही अब भी होगा साथियों कृषि क्षेत्र में इन ऐतिहासिक बदलावों के बाद इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे रहे मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है